ये जितने गरीब तबका के लोग हैं हम लोग को सभी को खाई में गिराया जा रहा है और मिड डे मील के नाम पर ये सारा ठगा जा रहा है। तो मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी है, देश के मालिक मोदी जी है, तो मोदी जी का दोष नहीं है, ये तो मोदी जी का ही देना है। 24 में क्या करेंगे? 24 में आप लोग हम लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे। नहीं, जब हमारी विकास नहीं होगा, हमारी काम नहीं होगा, हमको नहीं मिलेगा, तो हम मोदी जी को क्या वोट देंगे? क्या पटना गांधी मैदान बेचने का फेर में है? कौन? वो है मोदी। क्या चोर है? कैसे उसी का दिल पर चलता हूँ। मोदी जी को क्या लेन देन है इसमें? इसमें मोदी जी का लेन देन है, मोदी जी का लेन देन नगर नहीं रहता तो ये दिल्ली में बैठ कर इतना गरीब को नहीं मुआते हो। को जवाब दिया जाएगा 2024 में, उनको संस्था गिरा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां धरना स्थल है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो तमाम महिलाएं और पुरुष ही दिखेंगे। इन लोग वो उन लोग हैं जो बिहार के सरकारी स्कूलों में खाना बनाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मिड डे मील के तरह सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन आप लोग ये जो रसोई है यहाँ इकट्ठा क्यों हो गए? हम लोग बिहार विद्यालय रसोईया संघ से है। हम लोग 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का पैसा मिलता है और मात्र 1650 रुपया हम लोगों को मिलता है। और उसी स्कूल में शिक्षिका पढ़ाती है, उनको विशेषा मातृ अवकाश की छुट्टी मिलता है और ये हमारे महिलाएं बहने हैं, इनको मातृ विशेषा अवकाश की छुट्टी नहीं मिलता है। हम लोगों को ठेकाकर्मी पर रखा गया है और हम लोग को मात्र 1650 रुपया में, जब हमारा अपना बताइए कि 1650 रुपया 55 रुपया का रोज हुआ तो 55 रुपया में मेरा एक पेट नहीं भरेगा तो हमारा बाल बच्चों का हमारा कहाँ से पेट भरेगा? परिवार का पालन पोषण कहाँ से होगा? हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा? हम लोग को बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बदले हम लोग को खाई में चल जाना पड़ेगा। हम लोग को विकास कहाँ से होगा? ये जितने गरीब तबका के लोग हैं हम लोग को सभी को खाई में गिराया जा रहा है और मिड डे मील के नाम पर ये सारा ठगा जा रहा है। कैसे महंगाई से आप लोग मार खा रहे हैं? हाँ, हम लोग महंगाई से भी मार खाएंगे नहीं। आज बताइए, चावल 25 रुपए 30 रुपए साधारण चावल खरीदने जाइए तो 30 रुपए किलो है। अब एक किलो चावल हम सब्जी कीनिएगा तो मोदी जी बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, मन की बात कहते हैं। मोदी जी तो अच्छे दिन लाते लाते हम लोग को कितना खाई में कर दिए हैं। आज बोले कि किसानों को ये लाभ देंगे, रसोइयों को इतना कर देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एमडीएम ये चलता है, मिड डे मील चलता है, लेकिन उसको नियमानुसार कहाँ है? मोदी जी के क्या दोष है? मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी है, देश के मालिक मोदी जी है, तो मोदी जी का दोष नहीं है, ये तो मोदी जी का ही देना है। जो सुप्रीम कोर्ट के अदालत से ये जो मिड डे मील चलता है तो हक तो उन्हीं का है ये मिड डे मील। 24 में क्या करेंगे? 24 में आप लोग हम लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे। नहीं, जब हमारी विकास नहीं होगा, हमारी काम नहीं होगा, हमको नहीं मिलेगा तो हम मोदी जी को क्या वोट देंगे? क्या नहीं हुआ? आप झूठ मूठ बोल रहे हैं, मोदी जी इतना अच्छे काम हमारे अभी तक 1600 रुपये में 50 रुपये में क्या? अरे मोदी जी कुछ नहीं किया है। अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, और कुछ नहीं दिया है। वो बोलते हैं जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हम लोग 1500 रुपया में हम लोग बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी को बचाएंगे। वो नरेंद्र मोदी पूरा देश को बेच के खा जाएगा, रेलवे हवाई अड्डा सब बेच दिया, स्कूल को सब पटना गांधी मैदान आपको बेचने का, स्कूल को क्या पटना गांधी मैदान बेचने का फेर में है? कौन? वो है मोदी। क्या बात कर रहे हैं कि पटना गांधी मैदान बेच देंगे? प्रधानमंत्री गांधी मैदान बेचेंगे पटना? बेचिए देंगे, बेच देंगे, बेच दिए। लाल किला बेच दिए तो गांधी मैदान बचने में क्या है? लाल किला बेच दिए और क्या किया है? साथ बेच दिए है। कैसे पता चला आपको? अरे हम लोग नीतीश को वोट दे गए, नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट नहीं दे गए। अच्छा, लाल किला कैसे बेच दिए मोदी जी? अरे क्यों नहीं बेचेगा? हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब तो बेच सब स्कूल बेच दिया। स्कूल अब स्कूल या खेत जो है कब्जा करने में लगे है कि धरती और सिंचाई दो ये चीज सब बेच दिए मोदी जी? हाँ सब बेच दिया, और दो चीज बेचना है बिहार में आ जाएंगे। क्या क्या? सिंचाई और दहेज धरती, सिंचाई धरती धरती। अच्छा, मोदी जी से इतना नफरत काहे करते हैं? नफरत करते हैं कि झूठा झूठ के पुल बनाते हैं। कहते कि 15 लाख भेजेंगे जैसे बैंक में खाता पर, कई रुपया भेजा है तक, कई लाख भेजा, 10 रुपया भेजा है कहीं ना?
खाली झूठ मूठ के झूठ के मन के बात करते हैं। हाँ मन के बात करते हैं। मन के बात क्या होता है? मन के बात होता है, कुछ नहीं ना? बोल रहे 24 में बहुमत के साथ लाएंगे। अरे वो कुछ नहीं आएगा, अभी आ गया बिहार में। बिहार नहीं कब्जा होगा, बिहार नहीं होगा, बिहार कब्जा नहीं होगा उनसे। वो डायलॉग देते रहे, बिहार कब्जा नहीं होगा। तो बोले तो है, बोलने दीजिए। अमित शाह देखे आए थे कल। हाँ अब रही विधानसभा वाला में क्या? अमित शाह और चोर है। कैसे उसी का डील पर चलता है? अमित शाह जो डील करता है उसी पर हम मोदी चलता है। हाँ, मोदी अमित शाह दोनों। हाँ दोनों का तालमेल। कैसे चोर है? भले चोर है, कमुआ रहा है। कौन? नीतीश जी और मोदी जी। इतना जो जितने भी रसोईया गरीब है उसको खाने के लिए घर में नहीं है, और वो 50 रुपया 60 रुपया देते हैं सब्जी का दाम, 1 केजी का दाम। कौन इतना दाम बढ़े ले है? तो यही बढ़ाया है नीतीश बढ़ाया है, मोदी बनाया है। नीतीश मोदी दोनों बढ़ाया है। कैसे बात कर रहे हैं? कैसे नहीं बात करेंगे? मोदी जी को क्या लेन देन है इसमें? इसमें मोदी जी का लेन देन है। मोदी जी का लेन देन नहीं रहता तो ये दिल्ली में बैठ कर इतना गरीब को नहीं मुआते। सब गरीब को मुआ रहे मोदी जी? हाँ एकदम मुआ रहा है, मार डाल रहा है। वो जितना भी ये रसोईया बहने हैं वो सबको, कोई विधवा है, किसी का मालिक नहीं है, किसी का बच्चा छोटा है, और वो विधवा होकर क्या करने जाएगी, कहाँ जाएगी? वो 50 रुपया में मोदी जी को आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा? मोदी जी को जवाब दिया जाएगा 2024 में। उनको सत्ता गिरा दिया जाएगा। सत्ता गिरा दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हम गिरा आपसे सत्ता गिरेगी? हाँ हाँ हम लोग गिराएंगे, हम लोग रसोईया संघ गिराएंगे। हाँ उस संस्था को हम लोग गिरा देंगे। हम लोग है 3 लाख। हम लोग सोच लीजिए कि 3 लाख काली रसोईया है, 3 लाख मोदी जी के खिलाफ है। हमको बाल बच्चा, हमको हित कुटुम, पूरा बिहार हिला देंगे। बिहार हिला दीजिए? हाँ हिला देंगे। कुछ हो जाए? हाँ कुछ हो जाए मोदी जी को। हाँ हाँ मोदी जी के होश रहेगा। मोदी जी बोलते हैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे। पूछो रोजगार नहीं देगा, झूठ के पुल बनाते हैं। गरीब को तो मार डाल रहा है, वह क्या रोजगार देंगे? रोजगार देने के लिए उसको पावर नहीं है। अगर इतना पावर रहता तो जितना भी गरीब बहने आए हुए हैं उसको निमित्तन मजदूरी करना कर देता वो, लेकिन वो मजदूरी करने में एकदम कान में ठेक्की लगा लिया है। वो सुन रहा है। हेलो हम लोग पांच बार हम लोग दिल्ली गए हैं, धारणा किए हैं जंतर मंतर पर, और नरेंद्र मोदी आज तक लोग कान खोल कर नहीं सुना जे ये रसोईया गरीब है, लाचार है। पूरे बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, कर रही है। 2007-2005 से सब रसोईया ड्यूटी कर रही है, 50 पैसे पे काम कर रही है। वो किसान अंधा आदमी है, कैसा अंधा? कैसे उखाड़ फेंकेंगे मोदी को? एकदम उखाड़ देंगे। 2024 में एकदम उखाड़ के देंगे। हाँ जी उखाड़ के दीजिए। रसोईया वोट नहीं सरकार के देंगे। किसको? सब उखाड़ के नरेंद्र मोदी। हाँ नरेंद्र मोदी के। इतना गर्म कहाँ है आप लोग? चाचा काहे गर्म है मोदी जी पे? काहे गर्म न है? 50 रुपए पर खाना बनवाते हैं, 50 रुपए मजदूरी है, पूरा महंगाई है। सरकार 50 रुपए में हमको सब्जी होगा कि पेट भरेगा? कैसे पेट भरेगा? 24 में केकरा वोट दे? 24 में? 24 में तो हम लोग वोट नहीं देंगे, अगर बढ़ा देंगे तो हम लोग को वोट दे देंगे। मोदी जी को नहीं, किसको वोट दीजिएगा? अरे हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। हम लोग मोदी को नहीं? आप लोग नहीं मोदी को वोट नहीं देंगे। देखिए तो बिहार के जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, और लोग मन बना लिए हैं कि 2024 में मोदी को केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। साफ कर रहे हैं कि वही मोदी जो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज वो पीछे हट गए हैं। देखिए जो तमाम लोग हैं ये पटना, बिहार की राजधानी पटना में आए हुए हैं, और लोग कह रहे हैं कि 2024 में हम मोदी को केंद्र से हटा फेंकेंगे। बहरहाल इन लोग मिड डे मील का विरोध में इन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और इन लोग को 1600 रुपया
पर मंथ दिया जाता है, इसके खिलाफ है कि रसोई का पैसा बढ़ाया जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।